वेलकम टू सुप्रियाज नेचुरोपैथी सेंटर विजिट। इस बार हम आए हैं विजिट करने संत हिरदाराम नेचर क्योर हॉस्पिटल, जो एमपी में भोपाल में बैरागढ़ एरिया में स्थित है। सो वी रीच्ड एट भोपाल स्टेशन, सेंटर से गाड़ी आई है हमें लेने। वी आर गोइंग टू सेंटर नाउ। सो वी आर हियर इन द आरोग्य केंद्र। हम लोग गेस्ट रूम में रुके हैं। यहाँ से थोड़ी दूरी पे आरोग्य केंद्र है, वहाँ है गेस्ट हाउस। अगर हमें रजिस्ट्रेशन के लिए लेट हो गया तो हमें हॉस्पिटल की प्रीमाइसेस में रूम नहीं अवेलेबल रहेंगे। हॉस्पिटल से थोड़े दूरी पे ये गेस्ट हाउस बनाया हुआ है, मतलब एक होटल में ही रूम्स देते हैं गेस्ट लोगों के लिए रुकने के लिए, क्योंकि आरोग्य केंद्र में ऑलरेडी बुकिंग हो जाती है। तो अगर आप लेट करते हो रजिस्ट्रेशन तो आपको यहाँ पे गेस्ट हाउस में आके रुकना पड़ेगा। मुझे भी लेट हो गया था तो मुझे यहाँ रुकना पड़ा था, पर मैंने बाद में डॉर्मेंटरी में शिफ्ट कर लिया। सो होटल प्यारास पैलेस का इंट्रोडक्शन करा दिया, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में मुड़ गए हैं, सीधा जाते हैं तो आरोग्य केंद्र आ जाता है। इट इज़ नियर बाय। दिस इज द बिल्डिंग ऑफ आरोग्य केंद्र। So this is the entry for Sant Hirdaram Yoga and Nature Cure Hospital. तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। This is the main entry. इसके सामने ही patients की रहने की व्यवस्था की गई है। This is the building for stay for patients साधक। तो ये है center की entry. अभी हम अंदर जाएंगे। This security. So this is the main office area, reception area of Sant Hirdaram Yoga and Nature Cure Center. तो आते ही हमें सबसे फर्स्ट यहाँ आना है, एडमिशन प्रोसीजर करना है, डॉक्टर को मिलना है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में ट्रीटमेंट सेक्शंस है और इसके राइट हैंड साइड में योगा हॉल की तरफ रास्ता जाता है। ये मेन एंट्रेंस के एग्जैक्ट सामने और एक बिल्डिंग है, जहाँ पे नीचे किचन है, डाइनिंग हॉल है संत हिरदाराम नेचर क्योर सेंटर का, और ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे रूम्स है। अब हम देखेंगे चार्जेस ऑफ रूम्स। जनरल वार्ड 700 पर डे, ये थर्ड फ्लोर पे है, लिफ्ट लगी हुई है, सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। जेंट्स और लेडीज़ का जनरल वार्ड आमने सामने ही है थर्ड फ्लोर पे, जिनके चार्जेस है 700 पर डे। अभी हम आ गए हैं थर्ड फ्लोर पे। यहाँ पे है जनरल वार्ड्स, ये है जेंट्स जनरल वार्ड। अंदर जाना अलाउड है? अंदर जाना अलाउड नहीं है लेडीज़ को। और इसी के एग्जैक्ट सामने लेडीज जनरल वार्ड है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसके एग्जैक्ट सामने यहाँ पे लेडीज जनरल वार्ड है। तो इसमें टोटल कितने बेड्स हैं? 18 बेड्स है आई थिंक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 टोटल 18 बेड्स का जनरल वार्ड है। आप लोग देख सकते हैं बहुत बड़ा है। और यहाँ पे वॉशरूम्स, टॉयलेट, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे वॉशरूम्स है। देर आर 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 वॉशरूम्स। और गर्म पानी के लिए नल है, यहाँ पे दिया है, यहाँ से गर्म पानी लेना है। देर इज 1 इंडियन टॉयलेट है और 3 वेस्टर्न टॉयलेट्स है, और उधर एक वॉशरूम है। तो टोटल 5 वॉशरूम आर देयर। सो ये है जनरल वार्ड। नाउ द नेक्स्ट नॉन एसी रूम्स, जिसमें 1500 फॉर सिंगल ऑक्यूपेंसी एंड 2500 फॉर डबल ऑक्यूपेंसी। नाउ चॉइस इज यूअर्स। अगर आपको अकेले रहना है तो 1500 पर डे रहना देना पड़ेगा, और अगर दो लोग साथ में शेयर करते हैं तो 2500 पर डे देना पड़ेगा। तो दोनों को हाफ हाफ स्प्लिट हो जाएंगे उसमें चार्जेस। वैसे ही एसी रूम्स के 3000 फॉर सिंगल ऑक्यूपेंसी एंड 4000 फॉर डबल ऑक्यूपेंसी। सो देयर इज लिफ्ट, यहाँ से हम
फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे जा सकते हैं। आई एम गोइंग बाय स्टेयर्स, सो दिस इज द फर्स्ट फ्लोर। एंड देयर आर द रूम्स। सो आप लोग देख सकते हैं इट्स टू बेड शेयरिंग रूम। हेलो अंकल आंटी, कैसे बेटा? अच्छे हैं, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। अभी लंच हुआ है, लंच का टाइम है, रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट टाइम है, और 3 बजे फिर से सेकंड रिसिप्ट के लिए, लास्ट के लिए जाना है। ओके, तो की व्यवस्था ठीक है? हाँ, वही रूम देख रहे हैं, इट्स टू बेड शेयरिंग रूम ना, 1200 पर डे, पर डे पर हेड। ओके, यानी 10 डेज के 12,000 एक का। ओके, दिस इज ड्रेसिंग, ये वार्डरोब्स, उधर भी है क्या? उधर भी दो लोगों के अलग अलग अलमीरा। हाँ, दो लोगों के दो अलग अलग। अच्छा है, एसी भी फैसिलिटी भी है? नहीं, ये वैसे जो हम लोग जो रूम है नॉन एसी के चार्ज है ₹1500। ओके, फॉर एसी रूम। यस, बाथरूम, वेस्टर्न टॉयलेट, दिस इज टू बेड शेयरिंग रूम्स। बड़ा है बाथरूम? ठीक है, देर इज बालकनी है, कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। कहाँ रहती हो? मैं डॉर्मेंटरी में हूँ। अच्छा, यहाँ नहीं है? हाँ, अलग है, जेंट्स अलग है। यस, तो यहाँ पे बालकनी भी है जहाँ से आप बाहर का नजारा देख सकते हैं। नाइस रूम्स, सो दीज आर द रूम्स। अभी हम जाएंगे सेकेंड फ्लोर। मेडिटेशन हॉल, और यही यहाँ पे भी रूम्स है, आप लोग देख सकते हैं टोटल 19 रूम्स। हमें प्री बुकिंग कराना है अगर रूम चाहिए तो। सेम रूम्स। हाँ, सो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है नीचे डाइनिंग हॉल ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर देयर आर रूम्स। अच्छे हैं रूम्स, 1200 पर पर्सन, टू बेड शेयरिंग रूम्स, बट आपको पहले बुकिंग करानी पड़ेगी। मैं और मेरी फ्रेंड साथ में आए हैं ये सेंटर, हम लोगों को भी 2 बेड शेयरिंग वाला रूम चाहिए था, बट हम लोगों को नहीं मिला क्योंकि हमने लेट रजिस्ट्रेशन किया, तो हमें इसीलिए 2 ऑप्शन दिए उन लोगों ने। या तो हम गेस्ट रूम में रुक सकते हैं 2 बेड शेयरिंग वाले रूम में, होटल वाले रूम में, या तो हम डॉर्मेंटरी में रुक सकते हैं। हम लोगों ने दोनों भी देखे हैं, गेस्ट रूम भी अच्छा है बट मेन प्रीमाइसेस से थोड़ी दूरी पे है, इसलिए हम लोगों ने जनरल वार्ड यानी डॉर्मेंटरी को सेलेक्ट किया, क्योंकि सेम प्रीमाइसेस में रहने से आसानी होती है, हम कुछ सामान भूल जाते हैं, हमें चेंज करना होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है वहाँ के बाद तुरंत जाने आता है, थोड़ा दूरी पे जाना आना बोल तो मुश्किल होता है, इसीलिए हम लोग डॉर्मेंटरी में गए। बट डॉर्मेंटरी रूम्स ऑल्सो वेरी नाइस। किट में हमें ये सब सामान दिया जाता है, इसमें आप देख सकते हैं 2-3 बुक्स है, एनिमा किट है, उसके बाद क्रियास का सामान है, एक मंजन है यानी टूथपेस्ट के जगह पे एक टूथ पाउडर दिया है माउथ क्लीन के लिए, अब हमें डॉक्टर से मिलना होता है और पूरे ट्रीटमेंट लिखाना होता है। एनिमा यू विल हैव मसाज 20 मिनट्स, ओके, एंड आई एम गिविंग यू टुडे इमर्शन बाथ, नो स्टीम बाथ टुडे, ना? ओके, सो ट्रीटमेंट ओवर। आज फर्स्ट डे ऑफ द संत हिरदाराम नेचर क्योर आश्रमम, मेरा पाउडर मसाज हुआ है, नाउ इट्स 12 o'clock, इट्स लंच टाइम, अभी मैं लंच ले रही हूँ, विल सी लंच में क्या है। सो टुडेज लंच इज, हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, आज लंच में है
ये क्या है? सैलेड। ओके, सलाद, अंकुरित मिक्स एंड हरी चटनी। ओके, ये बॉइल्ड स्प्राउट्स। दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ संत हिरदाराम आश्रम। ये है चटनी। ओके, ये इट इज दाल। ओके, दिस इज एक मिनट में रखती हूँ। खिचड़ी, ये डेली यही रहेगा? नहीं, कल से रॉ डाइट होगा। ओके, लंच इज सैलेड, मूंग की दाल एंड बॉइल्ड स्प्राउट्स, पुदीने का चटनी एंड खिचड़ी। तो अभी मैं टेस्ट करने वाली हूँ। ये है ब्राउन राइस की खिचड़ी। मुझे अच्छी लगी, स्पाइसी नहीं है, फिक्की है। एंड दाल, ओके ओके। इट्स अ 4 o'clock इन द सेंटर। और अभी गुलाब सर का लेक्चर होने वाला है। आई एम वेरी 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 एक्साइटेड टू मीट गुलाब सर, टू सी गुलाब सर। तो अभी सर का लेक्चर होने वाला है, तो हम लोग हनी लेमन ले रहे हैं और जा रहे हैं लेक्चर में। इट इज़ डे वन। तो आज अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करेंगे शेड्यूल, ट्रीटमेंट्स, किसी को कुछ डाउट्स है तो वो क्लियर करेंगे। इट्स हनी लेमन वाटर, इट इज़ लाइक शरबत, समथिंग डिफरेंट टेस्ट। यहाँ के जूसेस यम्मी। हाँ, ओके, गोइंग फॉर लेक्चर नाउ। 2000 बचे जी। अब परसों जो है सूदनिंग डाइट का ये ऑप्शन, आपको फ्रूट डाइट मिलेगा पूरे दिन में। यस, तो आपको हाँ जूस पे रहेंगे, क्योंकि फ्रूट डाइट के बाद में आपको क्या है, जूसेस पे रखेंगे एलिमिनेटिव डाइट, क्योंकि 3 दिन आप जूस फास्टिंग पे रहेंगे। वहां उसी टाइम पे एलिमिनेशन की प्रक्रिया होगी, और जब एलिमिनेशन की प्रक्रिया होगी तो ऐसा होता है ना कि जो शरीर के अंदर गंदगी जमा है उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे दूं। जैसे हम लोग 10 डेज के शिविर में आए हैं, तो फर्स्ट डे गुलाब सर का लेक्चर रहता है, जिसमें वो बताते हैं कि 10 डेज में क्या प्रोसीजर रहने वाला है, क्या डाइट रहने वाला है, उसका इफ़ेक्ट हम लोगों पे क्या गिरने वाला है और क्या रिज़ल्ट आने वाले हैं, उन सब की जानकारी देते हैं। और इस लेक्चर के बाद पूरा सेंटर हमें घुमा के बताया जाएगा। आरोग्य केंद्र में जो लेफ्ट हैंड साइड में ट्रीटमेंट सेक्शन है, वो पूरा साधकों को घुमा के बताते हैं, लेडीज़ ट्रीटमेंट किधर है, जेंट्स ट्रीटमेंट सेक्शन कहाँ पे है, योगा हॉल कहाँ है, उसके बाद जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट सेक्शंस है, उसके बाद फिजियोथेरेपी है, उसके बाद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स है, तो कौन से सेक्शन में होते हैं, कहाँ से जाना है, हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आज के दिन फर्स्ट डे दी जाती है। सेकेंड जो है ये पाउडर मसाज के अलावा जो दूसरा ट्रीटमेंट यहाँ होता है वो हॉट स्टोन मसाज है, यानी कि स्टोन्स को गर्म करके वो मसाज देते हैं। तीसरा है अरोमा थेरेपी होता है, यानी अलग अलग ऑयल्स बनाते हैं, अरोमा ऑयल्स बनाते हैं, जिसके लिए जो सूटेबल ऑयल रहेगा वो हम खुद से बनाते हैं, और यहाँ पर वो ट्रीटमेंट होता है अरोमा थेरेपी का। ठीक है, ये सब जो एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट है वो चार्जेबल है। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। अगर आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है तो आप ले सकते हैं, या फिर आपको खुद को भी इच्छा है लेने की तो आप ये ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। मेनली ये रिलैक्सेशन के पर्पस से, और पाउडर मसाज वेट लॉस में भी मदद करता है। उबटन मसाज, उबटन मसाज कुछ है? उबटन भी होता है, उबटन भी यहीं पर होता है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे सामने, आप लोग निकलेंगे, लेफ्ट में चलेंगे कोलोन हाइड्रोथेरेपी। साफ सफाई करना। ठीक है, जो एनिमा हम लोग देते हैं उसका जो पानी है वो सुपरफिशियल लेवल तक जाता है, मतलब बहुत कम
आंत तक जाता है, पर कोलोन हाइड्रोथेरेपी में जो आपकी बड़ी आंत है उसका ऑलमोस्ट थर्ड पार्ट पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, कोलोन हाइड्रोथेरेपी अब क्यों कराना चाहिए? जिनको भी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आए हैं वो करा सकते हैं कोलोन हाइड्रोथेरेपी, जिसको भी गैस कॉन्स्टिपेशन इन सब की परेशानी रहती है वो सब करा सकते हैं, डायबिटीज है कुछ भी है कोलोन हाइड्रोथेरेपी हर कोई करा सकता है। पर कौन नहीं करा सकता? जिनको हर्निया की तकलीफ है, हर्निया का ऑपरेशन हुआ है या कोई सर्जरी हुई है, एक्टिव पाइल्स है यानी पाइल्स में भी ब्लीडिंग हो रही है, पाइल्स में सूजन है, वो सब लोग नहीं करा सकते। ठीक है, सो कोलोन हाइड्रोथेरेपी कराने के लिए क्या होता है, एक ट्यूब होता है। ठीक है, जैसे एनिमा सब आप लोगों ने लिया होगा तो एनिमा का कैथेटर डलता है, उससे थोड़ा सा और मोटा ट्यूब होता है जिससे पानी रश से यानी प्रेशर से अंदर की तरफ जाता है ताकि पूरी आंतों की क्लीनिंग करे और फिर प्रेशर से बाहर की तरफ आता है। ठीक है, दिखता है। ठीक है, आप जो है कोलोन कराने से पहले आपको एग्जामिनेशन कराना पड़ता है, यानी कि मल द्वार का हम लोग देखेंगे कि सूजन तो नहीं है, पेन तो नहीं है, किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है, वो कोलोन हाइड्रोथेरेपी से हम एग्जामिनेशन करेंगे फिर कोलोन हाइड्रोथेरेपी कराते हैं। ठीक है, ये आप खुद भी करा सकते हैं क्योंकि डिटॉक्स की है, कोई भी करा सकता है या फिर आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा कि आपको कोलोन हाइड्रोथेरेपी कराना चाहिए। ठीक है, नहीं होती कोई दिक्कत नहीं होती, इसका 1200 रुपीज चार्ज है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इस तरह से हर ट्रीटमेंट सेक्शन और उसके चार्जेस और वो क्यों कराते हैं, किसको कराना चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ पर लिफ्ट भी है, अभी वो चालू नहीं बट हो जाएगी, तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट आ सकते हैं या बाहर से भी है, लेकिन ओजोन के ट्रीटमेंट के लिए आना है। ओजोन जो गैस होता है, गैस फॉर्म जो हमारी बॉडी में इंसर्ट की जाती है, जैसे स्किन से यदि आपको कोई इशू हो रहा है या तो हाइपरटेंशन हो रहा है, थायराइड वालों के लिए अच्छा है, प्लस अर्थराइटिस है, किसी भी टाइप डैंड्रफ हो रहा है, बालों की ग्रो नहीं हो रहा है, इन सब के लिए हमारा ओजोन ट्रीटमेंट जो सेक्शन वो यूज होता है। क्या करते हैं मैम? इसमें ओजोन गैस होती है जो हमारी ऑक्सीजन के अलावा ओजोन O3 गैस होती है जो हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट भी की जाती है, प्लस यदि पेन आपके बॉडी में इंचेस हो रहे हैं, बहुत सारा आपको एक्ने वगैरह की हो रही है, सोरियोसिस की प्रॉब्लम है, तो वो पैक्स लगा के आपकी ओजोन गैस अंदर इंसर्ट की जाती, उससे उसका ट्रीटमेंट हाँ उसके अंदर उससे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। रिसर्च बेस है मैम, मुझे इसके चार्जेस का आइडिया नहीं है, आप नीचे प्लीज देख लीजिए। ओके, ठीक, वहाँ पर पूरा जो लगी हुई है ना वहाँ पर चेकलिस्ट वो देख लीजिए। ठीक है, नेगेटिव दो एनर्जीज होती है, एक्यूबजर उसको बैलेंस कर देता है, यदि हमारी जो एनर्जी यदि बैलेंस्ड है तो आपको कोई भी डिसीज नहीं होगी, वाइटल्स जो आपकी रहती है यदि वो बैलेंस्ड है तो कोई भी डिसीज नहीं, इसलिए एक्यूपंचर में छोटी छोटी निडल्स यूज होती है जो आपकी बॉडी में पेन जहाँ है या तो फिर कोई नव आपकी काम नहीं कर रही है तो वहां पर इंसर्ट करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। दूसरा आता है एक्यूप्रेशर, सेम एनर्जी को ही ये भी करता है, बट इसमें ये है कि एक्यूपंचर पूरी बॉडी में यूज होता है, एक्यूप्रेशर ओनली पाम्स और आपके हैंड एंड पाम्स में यूज होता है क्योंकि यहाँ पूरे पॉइंट्स रहते हैं उनको प्रेस किया जाता है, तो ये ट्रीटमेंट यहाँ इसका ये शायद 200 चार्जेस का। ये है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेक्शन जहाँ पंचकर्म होता है और बाकी ट्रीटमेंट्स भी होते हैं जैसे शिरोधारा एंड ऑल। ट्रीटमेंट होता है शिरोधारा, है ना, सो अगर आपको नींद नहीं आती है, स्ट्रेस है और रिलैक्सेशन करवाना है तो सबसे पहला ट्रीटमेंट शिरोधारा। उसमें क्या होता है, तेल का धारा हम सिर पे लगाते हैं, तिल का तेल या तो कुछ और भी जो आपको बीमारी का कंडीशन है उस हिसाब से वो तेल लगता है, उससे बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। मैक्सिमम आप 3 शिरोधारा ले सकते हैं, सो डॉक्टर आपको आपको जैसे कि बीच में नींद नहीं आ रही है, जो भी हो रही है, सो डॉक्टर लिख के देंगे आपको शिरोधारा के लिए यहाँ पे आना है। दूसरा, यहाँ पे पोटली का सिकाई होता है जो कि बहुत अच्छा होता है, जैसे आपको जॉइंट में दर्द है, कमर में दर्द है, बहुत जगह में दर्द है, तो पोटली क्या होता है, एक हर्बल तेल होता है, अलग अलग तेल से कर सकते हैं, तो उस तेल को गर्म करके जड़ी बूटियों का पोटली होता है फिर उसको वहाँ पे डाल के उसे सिकाई किया जाता है, सो पोटली दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। पोटली के लिए 10 दिन का ट्रीटमेंट होता है, तो अगर चालू करना है तो आज या कल तक आपको चालू करना है पोटली का, है ना, तो वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर आप एक्यूपंक्चर नहीं कर पाते हैं क्योंकि नीडल्स डालना सबको दर्द होता है ऐसा होता है, तो दूसरा ऑप्शन है पोटली का कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपको हेडेक की बहुत दिक्कत है, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है तो नाशिया बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। नाशिया में जो मेडिकेटेड ऑयल होता है तेल, वो नाक में डाल के उसके बाद में स्टीम दिया जाता है तो जितने भी ब्लॉकेजेस है वो खुलता है। सो माइग्रेन और हेडेक्स और साइनसाइटिस के लिए ये नाशिया बहुत अच्छा है ना। और यहाँ पे बालों के लिए हेयर पैक्स होते हैं, फेस के लिए फेशियल्स वगैरह होता है, वो सब भी यहाँ पे होता है। आपकी आंखों को अच्छा करना है तो यहाँ पे अक्षतर्पणम एक ट्रीटमेंट होता है, ड्राई आईज है तो उसके लिए, और कानों के लिए भी कुछ सुनाई नहीं देता है, कुछ गड़बड़ है तो यहाँ पे कर्णपूरण भी होता है। तो ये सारे ट्रीटमेंट, लेकिन जितने भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो आपके जो आपने पे किया उसमें इंक्लूडेड नहीं है, उसके लिए आपको अलग से बिल लेके आना होगा, है ना। जो भी आयुर्वेदा में आएंगे उसको उनके पास चार्जेस कहाँ पर लिखे हुए, नीचे ओपीडी में एक बड़ा सा चार्ट लगा हुआ है, उसमें सारा रेट लिस्ट है और वहाँ पे पूछ के आप वो कर सकते हैं। तो डॉक्टर खुद सजेस्ट करेंगे जो आपको जरूरत ट्रीटमेंट है ना, वो डॉक्टर खुद बताएंगे। अगर आपको करवाना है तो पूछ भी सकते हैं कि मैं ये ट्रीटमेंट करवा सकता हूँ, ये करवा सकती हूँ, ऐसे करके आप पूछ सकते। दिस इज द योगा हॉल ऑफ संत हिरदाराम नेचर क्योर सेंटर। यहाँ पे हमें सुबह जनरल योगा के लिए आना है और जो भी डॉक्टर के सेशंस होते हैं, जो भी लेक्चर्स होते हैं, उसके लिए भी हमें योगा हॉल ही आना होता है और मेडिटेशन क्लास भी यही होता है, लघु शंख प्रक्षालन भी यही योगा हॉल में होता है। नाउ इट्स डिनर टाइम। इस तरह से फर्स्ट डे हम आते हैं, एडमिशन प्रोसीजर होता है, डॉक्टर से मिलना होता है, उसके बाद गुलाब सर से इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद पूरा हॉस्पिटल हमें बताया जाता है कि कहाँ पे क्या है, और हमारा भोजन आज का नॉर्मल भोजन होता है, कम नमक कम शक्कर विदाउट ऑयल वाला भोजन हमें दिया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डे टू। आज हमें डिनर ख़त्म करके सोने जाना है, कल से सुबह जल्दी उठना है, कल से हमारा दिनचर्या रूटीन स्टार्ट हो जाएगा और कल हमें रॉ डाइट रहेगा। दादा दादा खाना खा दो, दादा मैं खा लो, हाँ हाँ इसमें सैलेड, इधर सब्जी, डिनर टाइम इन द सेंटर। तो डिनर में है इस वेजिटेबल दलिया, फ्रूट सैलेड, आलू की सब्जी और सेब की चटनी। तो अभी मैं टेस्ट करूँगी, ये है सेब की चटनी। हाँ अलग लग रहा है इसका, देखती हूँ, खाते नहीं है ना अपन। हाँ ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, सॉल्ट नहीं है, नहीं ये मिर्च नहीं। हाँ सेब की चटनी कम खाते हैं, मिर्च तो नहीं खाते हैं। ये है वेजिटेबल दलिया इन द डिनर, साथ में है आलू की सब्जी। सो इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ 10 डेज डिटॉक्स कैंप, कल सेकेंड डे रहेगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ डे 2।